जितने लोग पूजन कर रहे हैं उनको भी ज्ञात नहीं है कि ये छठ की पूजन होती क्यों है, ये माता है कौन सी। ये छठ माता कोई दूसरी नहीं है, कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना है जिसकी पूजन होती है छठी के रूप में। उगता सूरज और डूबता सूरज का अर्घ होता है। सबसे पहली छठ पूजन किसने करी थी? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने करी थी, सांब पुराण कहती है। सबसे पहली छठ पूजन, क्योंकि सांब का शरीर बेकार हो गया था, भगवान कृष्ण की शरण में सांब पड़ गया, पिताजी आपने मुझे श्राप दिया है, क्योंकि गलत भाव हो गया था, गलत दृष्टि हो गई। भगवान कृष्ण के पास में जामंती जी बैठी हुई थी तो सामने आकर कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना करी तो सूर्य कहते हैं तुम इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो, और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नी देवसेना की जब आराधना सांब ने करना प्रारंभ करी, सूर्य को उगते को और डूबते को जब नमन करना प्रारंभ करा, अर्घ देना प्रारंभ करा, जल में खड़े होकर सांब तप साधना में डूबा रहता, सूर्य का स्मरण करता, देवसेना का स्मरण करता, तो देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने कहा, मैं भगवान की छठी कला हूं, मैं भगवान देवताओं की छठी कला हूं, इसलिए जगत में मैं छठी के नाम से पूजी जाऊंगी। और सुन, ए सांब, तूने मेरी आराधना करी है, मृत्यु लोक में जो मेरी आराधना करेगा वो जगत का सारा सुख भोगेगा, और तू भी चिंता मत करना, तू भी सर्व सुख भोगेगा। आप दोष के दिन संभेश्वर महादेव का नाम, सात कनेर के पुष्प, कितने सात कनेर मालूम है, कनेर के सात फूल, एक बेलपत्र, जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो सात कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना, दो तीन प्रदोष कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तो वहां से उठ जाओ, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास सात कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर सातों फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री पांच बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री तीन प्रदोष, चार प्रदोष, पांच प्रदोष, दो प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए, मेहमान, सहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र सात बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर जाए। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता, पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपति के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं, कितने पत्ते डालते हैं, 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं उस मंदिर में किसी भी पात्र में एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं,
महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को एकादशी के दिन पांच जगह पर चढ़ाया जाता है उस कार्य को निपटाने। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। अब शमी पत्र अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है उस कटी भाग पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। चौथा नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्र चढ़ाया जाता है। पांचवा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बार चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, जो अदालत में कार्रवाई चल रही हो या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो या कोई काम अटका पड़ा हुआ है तो उसके लिए चढ़ाए। पांच स्थान है, पांच स्थान की शमी पत्र को आप वहां चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं वो सुचारू हो जाएगी, वापिस कोई तकलीफ नहीं आएगी। शमी पत्र की बात, पहला अभिषेक माता पार्वती जी ने भगवान शंकर का कैलाश पर करा और वो जल का और शिव जी के साथ में जब शिव जी का अभिषेक कर रही थी, जो ये ब्राह्मण देवता अभिषेक कराते हैं, जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर, इसका प्रमाण क्या है, जल के अंदर दूध डालकर अभिषेक करने का प्रमाण क्या? सबसे पहला अभिषेक कैलाश धाम पर जब माता पार्वती जी ने शंकर का करा था, भगवान शिव का करा था, तब गौघरदानी का अभिषेक करते समय जल में सुंदर गौ माता के दूध का भाग धारण करा कर फिर करा था। क्यों? क्योंकि पार्वती जी शिव जी के स्नेह में हृदय में रहना चाहती थी। आज भी नियम है, जल के अंदर दो बूंद दूध की डालकर अगर शिव को चढ़ाया जाता है तो स्त्री और पुरुष में कभी अदालत तक बात नहीं पहुंचती, उनका प्रेम बढ़ता चले जाता है, कभी तलाक नहीं हो सकता। जल के अंदर दूध हो, काय के अंदर जम के बोलो जरा, जल के अंदर दूध हो, दूध के अंदर जल मिलते, फिर समझ लेना अच्छे से, जल की मात्रा ज्यादा हो दूध की मात्रा कम हो, थोड़ा सा मात्रा, इसलिए पानी भर पानी में थोड़ा सा दूध ब्राह्मण देवता डाल देते हैं, अभिषेक कराते हैं, तो वो प्रेम बढ़ाता। पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कविंत्री त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप पांच एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने हजारों कर लिए एक साथ,